खबरों की नई पहचान। जिला परिषद सांसद कांग्रेस नेत्री पिंकी कुमारी को कृषि मंत्री रणधीर सिंह द्वारा पिटाई मामले ने तूल पकड़ लिया। पिंकी कुमारी कर्माटांड थाना पहुंचकर मंत्री के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दायर कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कड़ा तेवर दिखाने के बाद कृषि मंत्री उल्टे पांव घटनास्थल से भाग खड़े हुए। इधर मंत्री और उनके गुर्गों द्वारा पुलिस पर FIR दर्ज करने को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। क्या हुआ आपके साथ? बोलिए क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ आपके साथ? हमको बोले जो मन से गाली दिया, हम तो सुबह से ही आए थे जग में शामिल होने के लिए। हमको ग्रामीण लोग आमंत्रित किए थे, तो हम आए थे सुबह से ही, हम शामिल हैं जग में नदी में और पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। तो उसका एक दो कार्यकर्ता लोग बोले कि आपका फोटो खिंचाया हुआ हो गया तो यहाँ से चले जाइए, ये मंत्री का जग है। तो बोले नहीं, हम फोटो खिंचाने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम जग में शामिल होने आए हैं। और रही बात मंत्री का यग क्या, तो ये जो जय श्री राम लिखा हुआ वहाँ मंत्री का नाम रहेगा तो हम चले जाएंगे। तो उसके बाद उन लोग मंत्री को फोन करके बुलाया और हमसे हमको पूरा यहाँ पे मारा, जैसे मन तैसे, जो मन सो पापा लगा के गाली दिया, भैया लगा के गाली दिया, जो मन सो गाली दिया, हम गिर भी गए। हमको न्याय मिलना चाहिए। उपवास में है और रणवीर सिंह ने इतना मारा है कि इसको गाल फुला दिया, मार कर गए। वो भी महिला रह के भी, उसको महिला पूरे गांव का भी इज्जत किया है, उसने महिला पर हाथ छोड़ा है। मंत्री पद में रहने के लायक नहीं है ये, जल्दी सीट खाली करो। घोषमंडल है, हाय हाय घोषमंडल सिंह, हाय हाय पिंकी कुमारी को आपने थप्पड़ जड़ा, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए महिला मुझे लगती है कि विचुप्त है और यज्ञ समिति के जुलूस में इससे पहले तो उन्होंने झगड़ा किया, हमारे बॉडीगार्ड के ऊपर में हाथ चलाया। यज्ञ समिति में कोई लड़ रहे थे, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, ये मुझे पता भी नहीं था, मैं तो भी लेट से पहुँचा था। तो यज्ञ समिति के जुलूस में आपस में लोग लड़ रहे थे, लड़ाई के क्रम में कौन कौन लोग लड़े मुझे पता भी नहीं था। इसी बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया, मैं बात कर रहा था फ़ोन पर कि आज उनका का उनका कार्यक्रम था, वो नहीं आ पा रहे थे, उनका फ़ोन आया। इसी बीच में मैं देखा कि मैं उधर से दौड़ती हुई आई, मेरा तलब पकड़ लिया, महिला ने मेरा तलब पकड़ लिया। हाँ, हमारे कार्यकर्ता ने जो है पकड़ को सेट किया था, कंपनी को सेट किया, हमने कोई भी तरह हाथा पाई हमने नहीं किया, मैं बर्दाश्त किया, मेरा तलब उन्हें धरा, फिर भी मैंने उसको मारा। लेकिन आप पे जो महिला उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगाना आजकल आम बात है। इस पर कृषि मंत्री द्वारा थप्पड़ जड़ने का आरोप लगाया जा रहा है और अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था, इस विषय पे पिंकी कुमारी द्वारा एक FIR कॉपी आपको दिया गया, इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है और क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? पिंकी जी के द्वारा लिख कर दिया गया है, लिखने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, जाँच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। इन महिला उत्पीड़न के खिलाफ अगर FIR दिया जाता है, आम पब्लिक को तुरंत अरेस्ट किया जाता है, तो मंत्री के कारण आप उसके अरेस्ट करने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर उसको बचाया जा रहा पुलिस के द्वारा? नहीं नहीं, बचाने का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता है, और जो कार्रवाई की जाएगी वो कानूनी रूप से कार्रवाई होगी, उसमें आप चिंता नहीं करें। तो FIR दर्ज कर लिया गया है? FIR दर्ज किया जा रहा है, अभी मिला है तुरंत इनके द्वारा। कौन सा धारा लगाया जाएगा सर? अभी धारा के बारे में नहीं बताएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ के उसके बाद जो धारा मांगेगा आवेदन उसमें दिया जाएगा, ठीक है? इस बार जब आप EVM में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, EVM पर प्रत्याशी के नाम के सामने वाली लाल बत्ती जलेगी, बीप सुनाई देगी और ठीक उसी समय EVM के बगल में रखे हुए VVPAT के प्रिंटर में एक पर्ची छपेगी। छपने के बाद लगभग 7 सेकंड तक यह पर्ची पारदर्शी खिड़की में लटकी रहेगी। आप उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। यह इसका सबूत है कि आपका मत आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। VVPAT चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता में आपके विश्वास को मजबूत करने का प्रयास है। मां कल्याणी ITI कॉलेज गौशाला रोड मास्टर
सीनरी। टेक्निकल के दौर में थ्योरी से कैसे चलेगा काम, इसीलिए हम दे रहे हैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की बेहतर व्यवस्था। ट्रेड अवेलेबल फीटर इलेक्ट्रीशियन। संपर्क करें माँ कल्याणी ITI कॉलेज गौशाला रोड मार्सलिंग यार्ड सिंदरी। उज्जवल भविष्य के लिए चुने KDM स्कूल पाथर्डी धनबाद। क्लास नर्सरी से 10 तक छात्रों के लिए फैसिलिटी। स्कूल में प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब, डांस क्लास, एक्सपीरियंस टीचर। एडमिशन ओपन। KDM स्कूल पाथर्डी सुदामडी सिंदरी रोड धनबाद। आवर फोन नंबर ऑन योर TV स्क्रीन। खबरों की नई पहचान।